वहीं कैसरगंज सपा प्रत्याशी के नामांकन खारिज करने के बदले में मुंहमांगी रकम मिलने वाली आरोपों पर गोंडा बीजेपी जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप का बयान सामने आया। उन्होंने सपा प्रत्याशी भगत राम मिश्रा के सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और गलत बताया। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी ने कैसरगंज से प्रत्याशी घोषित किया है तब से वो विक्षिप्त हो चुकी है। तब से उनको लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कुछ है नहीं, उनको लग रहा है कि हम हारेंगे कम से 5 लाख वोटों से, इसी वजह से वो आरोप लगा रहे हैं कि हमको पैसा दिया जा रहा, हमको लालच दिया जा रहा, हमको हमारे लड़के को एडजस्ट किया जा रहा। तो ये सब गलत है। कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई उनके पास नहीं गया था। भारतीय जनता पार्टी 400+ जीत रही है।